हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग फॉर यू। आज के इस लेक्चर में हम एरर एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, अभी मेजरमेंट का फर्स्ट टॉपिक तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ टर्म मैं यूज़ करूँ, उनका मीनिंग भाई थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक मैं टर्म यूज़ करूँगा ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू का मीनिंग क्या होता है भाई? एक्चुअल वैल्यू। मान लीजिए कोई भी चीज़ मैं मेज़र करना चाह रहा हूँ, क्लियर। मान लीजिए मेरे पास कोई मीटर है, ठीक है, मान लीजिए कोई वायर है, उसके अंदर से मुझे पता है करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, क्लियर। मुझे ये चीज़ पता है, मुझे कैसे पता चला? मान लीजिए इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लीजिए कितनी है, इसका वोल्टेज मान लीजिए 10 वोल्ट है, मान लीजिए इस पूरे की जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है, क्लियर। तो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, जो मेरा करंट है वो बी बाई आर होता है, वोल्टेज है 10 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना भाई 5, तो करंट कितना पता चल गया 2 एम्पियर, क्लियर। मैंने फॉर्मूला का यूज़ किया और मैंने बताया इसका आंसर कितना आ गया 2 एम्पियर। इसको क्या बोलते हैं भाई? एक्चुअल वैल्यू, दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू वैल्यू, समझ रहे हैं पॉइंट। फिर एक टर्म मैं यूज करूंगा मेजर्ड वैल्यू। तो आराम से समझते जाना, एक एक टर्म को अच्छे से देखते रहना, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है? इसको मैं ऐसे लिखूंगा एम बी, मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू को लिखेंगे टी बी, समझ रहे पॉइंट। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो मेजर्ड वैल्यू का मतलब वो होता है, मुझे ये पता है एक्चुअल में वैल्यू कितनी करंट की फ्लो हो रही है उस पर्टिकुलर रजिस्टर में, 2 एम्पियर, क्लियर। अब मैं क्या करूँ, इसको मैं मेजर करूंगा विद द हेल्प ऑफ, हाँ जी, करंट को कौन मेजर करेगा? एमीटर मेजर करेगा। मैं क्या करूंगा, इसके सीरीज में एमीटर लगा दूंगा और उसकी रीडिंग देखूंगा। उसकी जो रीडिंग आएगी वो आपकी 2 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो डिपेंड करेगा इंस्ट्रूमेंट के अंदर पहले से एरर कितना है, समझ रहे पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ, जो वैल्यू मुझे मीटर मेजर करके देगा, मैंने इसके सीरीज में एमीटर लगाया, ठीक है, एक्चुअल में करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा था, जो मेरे पास मीटर मुझे रीडिंग देगा, जो मीटर की रीडिंग होगी उसी को क्या बोलते हैं भाई? मेजर्ड वैल्यू। जो मीटर मुझे रीड करके देगा, दिस इज मेजर्ड वैल्यू। तो इस चीज़ का भाई ध्यान रखना है। और मेजर वैल्यू जरूरी नहीं है वो ट्रू वैल्यू के इक्वल ही हाई, ये जरूरी नहीं है कि जो मीटर मेजर करेगा वो 2 एम्पियर ही मेजर करेगा, क्लियर है भाई पॉइंट। तो मीटर 2 एम्पियर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, 2 से ज़्यादा भी मेजर कर सकता है, 2 से कम भी मेजर कर सकता है, वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ एक्यूरेसी, समझ रहे हैं पॉइंट। मीटर के अंदर पहले से एरर कितना है, क्लियर। तो मेंशन होता है, जब भी कोई मीटर हम देखते हैं उसमें भाई एरर मेंशन होती है भी, अगर आप इतनी वोल्टेज या करंट मेजर करोगे उसके अंदर इतना इतना एरर रहेगा, क्लियर। तो जहां पे मैं यही बताना जा रहा था, ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है? वो वाली वैल्यू जो मैं फॉर्मूला से कैलकुलेट करूंगा, दैट इज द एक्चुअल वैल्यू, और जो मीटर मुझे जो वैल्यू मेजर करके देगा, दैट इज द मेजर्ड वैल्यू। तो दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। आगे लिखिए एक्यूरेसी, फिर हम टर्म यूज करते हैं भाई, वट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का लिख लो भाई, इट इज द क्लोजनेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेस टू ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बींग मेजर्ड। ऐसे लिखिए, ऑफ द क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू किसकी होगी? ऑफ द क्वांटिटी बींग मेजर्ड, समझ रहे पॉइंट। तो भाई मान लीजिए मैंने इस वायर की ही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, इसमें क्या है भाई, मेरा जो एक्चुअल वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू कितनी है भाई? 2 एम्पियर करंट की वैल्यू है, समझ रहे हैं पॉइंट। अब मैंने क्या किया, मीटर के साथ मेजर किया, मान लीजिए मीटर की वैल्यू आ गई, एक आ गई 1.87, एक आ गई 1.93, एक वैल्यू आ गई 1.97, एक वैल्यू आ रही है 1.78, समझ रहे हैं पॉइंट। तो मीटर की वो वाली वैल्यू दैट इज क्लोज टू या अप्रोचेस टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बींग मेजर। इसका मतलब अगर मैं इन सभी का कंपेरिजन करूँ, इनमें से मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी? 1.97, वो वाली वैल्यू जो मेरी ट्रू वैल्यू के बिल्कुल आसपास होगी, उस वैल्यू को बोलते हैं भाई एक्यूरेट वैल्यू। इसका मतलब जो मेरा 1.97 है, 1.97 इज मोस्ट एक्यूरेट, समझ रहे हैं भाई पॉइंट। एक्यूरेसी का मीनिंग समझ में आया, एक्यूरेसी का मतलब वो होता है दैट इज द क्लोजनेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेस टू ट्रू वैल्यू, क्लियर। जो वैल्यू मेरी ट्रू वैल्यू के आसपास होगी वो वैल्यू मेरी क्या होगी? मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू होगी, समझ रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब 1.97 इन सभी में से मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू होगी, क्लियर है भाई पॉइंट। तो एक्यूरेसी होती है, आगे लिखे टाइप्स ऑफ एक्यूरेसी, इसकी भाई डिफरेंट टाइप्स होती है डिपेंड अपॉन द स्केल। तो लिखिए
पहला लिखिए एफ सॉरी एक्यूरेसी और पॉइंट एक्यूरेसी, पॉइंट एक्यूरेसी लिखिए। तो लिखिए अभी पहली टाइप, टाइप्स ऑफ एक्यूरेसी। पहला है पॉइंट एक्यूरेसी, दूसरा है एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ फुल स्केल वैल्यू, फुल स्केल वैल्यू। इसको भाई ग्रांटी एक्यूरेसी एरर भी बोलते हैं, इसको मैं बाद में डिफाइन कर दूंगा। नंबर 30 एक्यूरेसी एज अ एक्यूरेसी लिखिए, एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू, इसको बोलते हैं भाई लिमिटिंग एरर। समझ रहे पॉइंट? आगे मैं दोनों को डिफरेंशिएट कर दूंगा, फिलहाल यहां पे समझिए। तो सबसे पहले पॉइंट एक्यूरेसी बोलिए। पॉइंट एक्यूरेसी में क्या होता है, जैसे ये आपके पास एक स्केल होता है भाई, क्लियर? पॉइंट एक्यूरेसी का मतलब होता है वो वाली एक्यूरेसी जो किसी एक पॉइंट पे ही एक्यूरेट वैल्यू को मेजर करेगा। समझ रहे पॉइंट? मान लीजिए मेरे पास एक्स और वाई दो क्वांटिटी है और इनका मैंने टेबल बनाया, हर एक पॉइंट बनाया, हर एक इनपुट पे आउटपुट देखता गया, क्लियर? इनमें से जो एक्यूरेट पॉइंट होगा, जैसे मैंने आपको 2 एम्पियर करंट का बता रहा था ना, एक पे आएगा 1.93, 1.97, 1.78, 1.83, 1.23, समझ रहे हैं पॉइंट? तो इसकी जो एक्यूरेसी आएगी वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगी, समझ रहे हैं पॉइंट? जैसे 1.97 ये मेरा मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है ना, इसका मतलब ये हुआ ये जो एक्यूरेसी होती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइंड होती है, समझ रहे हैं पॉइंट? इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज नहीं करते। सेकंड देखिए एक्यूरेसी एज ए परसेंटेज ऑफ फुल स्केल वैल्यू, एंड सबसे पहले देखते हैं फुल स्केल वैल्यू का मीनिंग क्या है भाई, फुल स्केल वैल्यू। तो देखिए फुल स्केल वैल्यू, तो लिखिए फुल स्केल वैल्यू, फुल स्केल वैल्यू और फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इसका क्या मीनिंग होता है? जैसे मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए मैं एमीटर की एग्जांपल ले रहा हूँ, ये स्केल होता है, समझ रहे हैं पॉइंट? ऐसे आपको दिखता है ना भाई, क्लियर? फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है, मान लीजिए 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5 एम्पियर तक ये मेजर कर सकता है, क्लियर? इसका मतलब ये हुआ मीटर की वो वाली रेंज जहाँ तक वो मेजर कर सकता है उसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये आपका जो पॉइंटर है इसको पॉइंटर बोलते हैं, जो आपकी पॉइंटर जो मूव करता है ना आपका, उसको बोलते हैं पॉइंटर। ये जो आपकी होती है इसको बोलते हैं पॉइंटर। तो पॉइंटर का मतलब ये होता है, सॉरी पॉइंटर का मतलब आपके पास ये हो गया, जैसे ही मैं इसको कोई भी करंट या सप्लाई दूंगा ये कोई ना कोई रीडिंग देगा, क्लियर? तो मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकता है भाई, 5 एम्पियर तक जा सकता है, इसके बाद नहीं जा सकता, समझ रहे पॉइंट? इसका मतलब फुल स्केल वैल्यू का मतलब जो है वो मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है वही उसकी क्या हो जाएगी, फुल स्केल वैल्यू। वोल्ट मीटर है तो उसकी वोल्टेज में हो जाएगी, किसी भी चीज़ की फुल स्केल वैल्यू है वो उसके मीटर पे डिफाइंड होगा, मीटर की जो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक वो मेजर कर रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ फुल स्केल वैल्यू, क्लियर? मान ली मेरे पास ये वोल्ट मीटर था 0 वोल्ट से लेके 500 वोल्ट तक ये मेजर कर सकता है, क्लियर? इसमें जो एक्यूरेसी डिफाइंड होती है ऐसे होता है 500 प्लस माइनस मान लीजिए 2% है, क्लियर? इसका मतलब क्या है, ये जो 2% होता है ये फुल स्केल वैल्यू का होता है, किसका भाई, फुल स्केल वैल्यू। जब हम डिफाइन करते हैं एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ फुल स्केल वैल्यू, इसका मतलब ये जो 2% होता है ये फुल स्केल वैल्यू का होता है, समझ रहे हैं पॉइंट? किसका होता है भाई, फुल स्केल वैल्यू का। तो फुल स्केल वैल्यू कितनी है इसकी, 500 है, इसका मतलब एरर कितनी रहेगी इसके अंदर, 500 इनटू 2/100, 2% का मतलब है 2/100, इसका प्लस माइनस, इसका मतलब कितना हो गया भाई, प्लस माइनस 10 वोल्ट की एरर है, समझ रहे हैं पॉइंट? अब मुझे एक चीज़ बताइए, मान लीजिए इसके साथ मैं 10 वोल्ट मेजर करना चाहूँ, इसी स्केल के साथ मैं 10 वोल्ट मेजर करना चाह रहा हूँ, तो 10 वोल्ट के ऊपर मुझे जो वैल्यू मिलेगी 10 नहीं मिलेगी, उसके अंदर प्लस माइनस 10 का मेरे पास एरर मिलेगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा। मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो 20 वोल्ट है मैं मेजर कितनी करना चाह रहा था, 10 वोल्ट, लेकिन आंसर कितना देगा, मीटर, एक्चुअल में 10 वोल्ट थी लेकिन मीटर जो डिफ्लेक्शन देगा वो 20 पे देगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो एरर है वो वेरी लार्ज है, समझ रहे पॉइंट? इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इसके साथ स्मॉल वैल्यू मेजर करूँ, मान लो 2 वोल्ट मेजर करना है, तो ये रीडिंग क्या देगा, प्लस माइनस 10 और ऐड कर देगा इसमें, मींस 12 वोल्ट देगा, 12 वोल्ट या माइनस 8 वोल्ट, तो इसका नेगेटिव में तो जा नहीं सकता क्योंकि 0 पे रुका हुआ है, तो -8 तो नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 मेजर करना चाह रहा था लेकिन एरर कितना दे दिया,
वैल्यू जो मेजर करके दी वो कितनी दे दी, 12 वोल्ट। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, एरर है, क्लियर। तो एरर अगर मैं देखूं तो क्या होगा, एरर हो जाएगा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। इसी को क्या बोलते हैं राजे, एरर बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इस मीटर के साथ, इस एक्यूरेसी के साथ अगर मैं स्मॉल वैल्यू मेजर करूं तो मेरे पास जो एरर आएगा वो क्या आएगा, वेरी लार्ज आएगा। सपोज मैं इसके साथ हायर वैल्यू मेजर करना चाह रहा हूं, जैसे 400 वोल्ट मेजर करना चाह रहा हूं, तो ये रीडिंग क्या देगा, मीटर रीडिंग क्या देगा, एक्चुअल में तो 400 है लेकिन मीटर क्या रीडिंग देगा, उसके अंदर कितने की एरर है भाई, प्लस माइनस 10 की, प्लस माइनस 10 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ, जो मीटर है वो रीड करके कितना देगा, या तो 410 देगा या 390 देगा। एक बार प्लस 10 ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो, समझ रहे पॉइंट। तो आप देख सकते हो भाई 400 और 410 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इसके साथ मैं स्मॉल वैल्यू मेजर करूंगा तो उसमें एरर ज़्यादा आएगी, अगर मैं लार्ज वैल्यू मेजर करूंगा तो उसमें अंदर एरर जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ, ये जो मेरा मीटर है ये मुझे एक्यूरेट रिजल्ट मेजर करके नहीं देगा, इसलिए हम इसको भी यूज़ नहीं करते, क्लियर। इसके अंदर लिख लो भाई, अगर मैं स्मॉल वैल्यू मेजर करूंगा, फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल वैल्यू, लिखिए फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल वैल्यू इट प्रोवाइड लार्ज एरर वाइल फॉर मेजरिंग लार्ज वैल्यू एरर विल रिड्यूस। तो लार्ज वैल्यू के लिए भाई मेरी एरर कम होती है। तो आपने देख लिया था जहां पे 10 वोल्ट मेजर करना तो 20 देगा, एरर बहुत ज्यादा है, क्लियर। लेकिन 400 मेजर करना है तो 410 400 के कंपैरिजन में लगभग सेम ही है, 410 और 400 अप्रोक्सीमेट मेरे क्या रहेंगे भाई, सेम ही रहेंगे, क्लियर। तो अगला देखते हैं, एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी देख लो। इसी को हम क्या बोलते हैं राजे, लिमिटिंग एरर बोलते हैं, क्लियर। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है, जो एक्यूरेसी डिफाइंड होती है विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू, मतलब अगर आप 10 वोल्ट मेजर करना चाहते हो तो एरर आपकी 10 के हिसाब से ही आएगी, समझ रहे हैं पॉइंट। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए मेरे पास स्केल है, ठीक है, मान लीजिए इसमें जो एक्यूरेसी गिवन है वो आपका प्लस माइनस 2% ऑफ द ट्रू वैल्यू गिवन है, ऑफ द ट्रू वैल्यू। मुझे एक चीज बताइए, इस मीटर के अंदर जो भी वैल्यू आप मेजर करोगे उसका 2% इसके अंदर एरर आएगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, क्लियर। मुझे एक चीज बताइए, मान लीजिए मैं 2 वोल्ट मेजर करना चाहता हूं, तो 2 वोल्ट जे है, 2 वोल्ट मैं मेजर करना चाह रहा हूं, ट्रू वैल्यू है, इसका मतलब ट्रू वैल्यू का 2% क्या हो जाएगा, इसके अंदर एरर कितना आ गया भाई, 0.04 आ गया। इसका मतलब अगर 2 वोल्ट आप मेजर करना चाहते हो तो इसके अंदर एरर कितना आएगा, प्लस माइनस 0.04 का, मींस जहाँ तो इसकी वैल्यू होगी 1.96 जहाँ इसकी वैल्यू होगी 2.04। मुझे एक चीज़ बताइए, एरर कम हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर। पहले आप क्या था, 2 वोल्ट मेजर करते थे, पिछले केस में आपको रीडिंग मिलती थी 10, अब क्या हो रहा है, अगर मैं स्केल मेरा विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू होगा, जितनी मेजर करूँगा उतनी ही उसका ही उतने परसेंट अगर एरर है, तो मेरी देखिए 2 के कंपैरिजन में 2.04 कोई ज़्यादा नहीं है, अप्रॉक्सीमेट सेम ही है, और 1.96 भी मेरा क्या है, सेम ही है। सिमिलरली अगर मैं लार्ज वैल्यू मेजर करूँ, मान लीजिए 500 तक जा रहा था जी, मान लीजिए मैं 400 वोल्ट ही मेजर करना चाह रहा हूं, तो 400 वोल्ट प्लस माइनस एरर कितना आएगा, 400 का 2%, 400 का भाई 2% कर दीजिए, कितना आया, 400 प्लस माइनस 8, मींस या तो 392 मेजर करेगा, जहाँ कितना करेगा, 408 वोल्ट, क्लियर है भाई। तो इसका मतलब भाई आप इस मीटर को यूज़ करेंगे, क्लियर। तो किस मीटर को यूज़ करेंगे, जिसमें एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू हो, उस मीटर को हम ऑलवेज यूज़ करेंगे, बिकॉज चाहे मैं उसके साथ स्मॉल वैल्यू मेजर करूँ, चाहे मैं उसके साथ लार्ज वैल्यू मेजर करूँ, जो मेरी एरर देगा, एरर जो रीटर, एरर का मतलब ये है जो मीटर मुझे रीड करके देगा, मीटर मुझे जे रीड करके देगा, देखिए उसमें ये डिफाइंड हो गया ना, 2% ऑफ ट्रू वैल्यू उसमें एरर होती है। इसका मतलब ये हुआ, एक्चुअल में तो 400 आना चाहिए था, लेकिन जो आपका मीटर है उसकी जो डिफ्लेक्शन होगी, या तो वो 408 पे दिखाएगा, या फिर कहाँ पे दिखाएगा, 392, मीन्स इस रेंज के बिटवीन कोई ना कोई वैल्यू आपकी कहीं ना कहीं पे जगह पे रुक जाएगा, क्लियर। ये जो होता है ना 2% ऑफ ट्रू वैल्यू, ये होता है, इसके अंदर मैक्सिमम एरर कितना है, 2%, इसी को बोलते हैं राजे टॉलरेंस और लिमिटिंग एरर और मैक्सिमम
मैक्सिमम परमिसिबल एरर, भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम उस मीटर के अंदर कितनी एरर हो सकती है। क्लियर? इसका मतलब मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू या तो 301 में हो सकती है या कितनी 408, इसका मतलब इसके बिटवीन कहीं पे भी लाई कर सकती है। क्लियर है भाई पॉइंट? तो आप देख सकते हो भाई मीटर जो रीड करके देगा मुझे जे रीड करके देगा, जे रेंज कई बार पूछ लेते हैं, समझ रहे हैं पॉइंट? एक्चुअल में 400 मेजर कर रहे थे लेकिन मीटर आपको जे रीडिंग इनके बिटवीन देगा। सिमिलरली अगर दो मेजर करना चाह रहे हो तो मीटर की रीडिंग जे होगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। भाई ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं, भाई अभी से अपनी डाउट क्लियर कर लो। अगर फिर भी किसी पॉइंट पे आपको आपको कन्फ्यूज़न आ रही है तो प्लीज़ व्हाट्सअप में आपका जो ग्रुप है उसमें मैसेज कर दीजिए, मैं फिर ट्राई करूंगा इसके ऊपर अनदर वीडियो बनाने की, सो दैट आपका कंसेप्ट एकदम से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। समझ रहे पॉइंट? आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है भाई? तो हम ऑलवेज कौन सा मीटर यूज़ करेंगे भाई? मीटर नंबर 3। बिकॉज इसके साथ, इस रेंज के साथ अगर मैं स्मॉल वैल्यू मेजर करूँ चाहे हायर वैल्यू मेजर करूँ, मेरी जो रीडिंग आएगी वो उसमें जो डेविएशन आएगा, डेविएशन का मतलब होता है एरर, जो एरर आएगा वो क्या रहेगा भाई? स्मॉल रहेगा। क्लियर है भाई पॉइंट? तो हम ऑलवेज यूज करेंगे एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू। अब इनका मीनिंग समझते हैं भाई, गारंटी एक्यूरेसी एरर एंड लिमिटिंग एरर, ये क्या चीज है। ठीक है, तो देखिए, लिखिए नेक्स्ट, गारंटी एक्यूरेसी एरर एंड लिमिटिंग एरर, गारंटी एक्यूरेसी एरर एंड लिमिटिंग एरर। तो भाई नेक्स्ट लेक्चर में हम दिखाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस की लिमिटिंग एरर आपने कैसे निकालनी है। क्लियर? तो फिलहाल इसमें थ्रेटिकल पोर्शन जो है हमका वो कवर करेंगे। सबसे पहले लिखिए भी GAE, गारंटी एक्यूरेसी एरर। सबसे पहले लिखिए इट इज़ डिफाइंड बाय मैन्युफैक्चरर। जो आपका मीटर डिज़ाइन कर रहा है, जिसने मीटर बनाया है भाई, वो आपके इस मीटर के ऊपर कुछ एरर लिखता है भी, इस मीटर के अंदर कोई ना कोई एरर होगी। जब भी आप कोई भी मीटर लेते हो आप ध्यान से देखना, उसके अंदर लिखा होता है प्लस माइनस इतने परसेंट एरर। दैट मींस दैट इज डिफाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर। इसका मतलब गारंटी एक्यूरेसी एरर इज डिफाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर। और जो मैन्युफैक्चरर ये एरर डिफाइन करता है, ये ऑलवेज डिफाइन करता है विद रिस्पेक्ट टू फुल स्केल वैल्यू। और ये भाई फुल स्केल वैल्यू के अकॉर्डिंग भाई ये बताता है उसके अंदर इतनी फुल स्केल वैल्यू है, अगर उसकी इतने परसेंट उसके फुल स्केल का इसके अंदर एरर होगा। समझ रहे पॉइंट? तो ये होता है भाई गारंटी एक्यूरेसी एरर इज डिफाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड एरर इज डिफाइंड, एरर कौन सी? गारंटी एक्यूरेसी एरर इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू फुल स्केल वैल्यू। क्लियर? आप कोई भी नया मीटर जब लेके आते हैं, क्लियर, मान लीजिए इसका रेंज है 0 से लेके 100 वोल्ट, मान लीजिए वोल्ट मीटर है, समझ रहे हैं पॉइंट? तो जो भी यहाँ पे स्केल वगैरह होगा, एक पॉइंटर होगा, 0 पे होगा इनिशियली और लास्ट पे 100 वोल्ट पे जाएगा, समझ रहे हैं पॉइंट? दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। क्लियर? इसमें भाई होता है ऐसे रेंज लिखी होती है और प्लस माइनस बोल देगा 10%। क्लियर? ये जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा उसके ऊपर लिखा जाता है, इसका मतलब ये जो 10% होता है दैट इज होता है GAE। GAE मींस गारंटी एक्यूरेसी एरर। ये क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू फुल स्केल वैल्यू, फुल स्केल वैल्यू। क्लियर? फुल स्केल डिफ्लेक्शन और फुल स्केल वैल्यू के अकॉर्डिंग ही ये एरर डिफाइंड होती है। क्लियर? आगे लिखता है भाई लिमिटिंग एरर। लिमिटिंग एरर भाई कस्टमर अपने अकॉर्डिंग जो जो रीडिंग उसने मेजर करनी है उसके अकॉर्डिंग उस रीडिंग को कन्वर्ट कर लेता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू, उसको बोलते हैं लिमिटिंग एरर। तो ये चीज़ लिख लो भाई, जो आपकी GAE होती है ये ऑलवेज, इसकी अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करूँ, एब्सोल्यूट बताता हूँ, एब्सोल्यूट क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ GAE इज कॉन्स्टेंट। मैं क्वेश्चन से बताऊँगा कैसे आपको ये मैं बता रहा हूँ। क्लियर? लिमिटिंग एरर इट इज़ डिफाइंड बाय द कस्टमर और यूज़र। समझ रहे पॉइंट? और इट इज़ डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। समझ रहे पॉइंट? और ट्रू वैल्यू के साथ भाई जी आपकी वेरी होती है। समझ रहे पॉइंट? ट्रू वैल्यू के साथ डिफाइंड होती है। अगर ट्रू वैल्यू मेरी वेरी होगी, इफ ट्रू वैल्यू इज वेरीज देन लिमिटिंग एरर इज ऑल्सो वेरीज। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास कोई मीटर है, उसके ऊपर कोई एरर है, मान लीजिए मीटर मेरा 0 से लेके 10 एम्पियर का मीटर है। क्लियर? ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने बता रखा है भी जो आपका मीटर है 0 से 10 एम्पियर तक उसकी रीडिंग है,
और प्लस माइनस मान लीजिए 10% है, क्लियर। ये मैन्युफैक्चरर ने भाई बता दिया, और मुझे एक चीज़ बताइए ये क्या होगी, इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन और फुल स्केल वैल्यू, क्लियर। तो मैन्युफैक्चरर है भाई, उसने जो 10% लिखा होगा, 10% किसका होगा, ऑफ फुल स्केल वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ उस मैन्युफैक्चरर ने बोल दिया भाई इसमें 10% फुल स्केल वैल्यू का आपके पास क्या है, एरर है। इसका मतलब 10 का 10% कितना होता है भाई, 10/100 कर दो भाई, ये कैंसिल, ये कैंसिल, मींस प्लस माइनस 1 की इसके अंदर क्या आएगी, एरर आएगी, क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू फुल स्केल वैल्यू दैट इज डिफाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर। अब जो यूजर होगा, जरूरी थोड़ी ना आपका जो यूजर, जो भी कस्टमर है उसको ऑलवेज वे 10 एम्पियर तक ही मेजर करवाएगा, ऐसा तो नहीं है कि वो हर टाइम जो रीडिंग है आपकी 10 एम्पियर ही वो मेजर करवाएगा, उसकी तो रिक्वायरमेंट होगी, क्लियर। अलग अलग 2 एम्पियर भी मेजर करवा सकता है, 1 एम्पियर करवा सकता है, 5 एम्पियर करवा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एरर डिफाइंड होगी उसको बोलते हैं भाई लिमिटिंग एरर, क्लियर, दैट इज डिफाइंड बाय द कस्टमर। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई। अगर मैं दोनों में रिलेशन निकालूं, जो परसेंटेज लिमिटिंग एरर होता है, परसेंटेज लिमिटिंग एरर दैट इज इक्वल टू परसेंटेज GAE इनटू फुल स्केल डिफ्लेक्शन या फुल स्केल वैल्यू डिवाइड बाय आपका आ जाएगा भाई ट्रू वैल्यू, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, क्लियर। तो ये फॉर्मूला भाई आपने याद रखना है, जो परसेंटेज लिमिटिंग एरर होगी दैट इज परसेंटेज GAE इनटू फुल स्केल डिफ्लेक्शन डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, क्लियर। तो अब भाई एक इस मीटर की एग्जांपल से मैं देख रहा हूँ फुल स्केल का मीनिंग क्या है और लिमिटिंग एरर, अगर मैं ट्रू वैल्यू को वेरी करता रहूँ तो मेरी लिमिटिंग एरर कैसे वेरी करती है, तो ध्यान से सुनिए भाई। तो देखिए नेक्स्ट, तो इसका मतलब मेरे पास मीटर है भाई 0 से 10 एम्पियर का है, इसके अंदर मान लिए प्लस माइनस 10% है, ये मैन्युफैक्चरर ने बता दिया। इसका मतलब इसके अंदर जो GAE है, परसेंटेज GAE, वो कितनी है, 10 है, समझ रहे पॉइंट। अगर मैं देखूं एरर कितनी आ रही है इसके अंदर, एरर वो कितना आ जाएगा भाई, एब्सोल्यूट एरर वो आ जाएगा भाई 10 का 10 एम्पियर था ना फुल स्केल वैल्यू, 10 का 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1, क्लियर, प्लस माइनस 1 एम्पियर। इसका मतलब ये क्या है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, जो वैल्यू परसेंटेज में गिवन होती है इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर, समझ रहे हैं पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर, लेकिन ये क्या है, गारंटी एक्यूरेसी एरर, समझ रहे हैं भाई पॉइंट। तो एब्सोल्यूट इसका मतलब 1% का होगा। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इससे 2 एम्पियर रीड करवाऊं, मैं यहां पे वैल्यू लिख रहा हूं, वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं लिमिटिंग एरर, और यहां पे मैं लिख रहा हूं भाई GAE मेरी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, GAE की एब्सोल्यूट वैल्यू यहां पे मैं देख रहा हूं, एब्सोल्यूट, ठीक है, और यहां पे मीटर की रीडिंग देख रहे हैं, मीटर रीडिंग। चलिए मान लीजिए मैं 1 एम्पियर मेजर करवाना चाह रहा हूं, लेकिन जो एरर आपको गिवन है भाई, ये किसकी फॉर्म में गिवन है, फुल स्केल वैल्यू की गिवन, और मुझे पता है लिमिटिंग एरर किसके इक्वल होता है भाई, दैट इज परसेंटेज GAE इनटू फुल स्केल वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू मैं मेजर करना चाह रहा हूँ, क्लियर। तो सबसे पहले 1 एम्पियर अगर मैं मेजर करना चाह रहा हूँ उसके केस में लिमिटिंग एरर कितना होगा, क्लियर। अब मैं रीडिंग के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, जितनी मेरी रीडिंग जो मैं मेजर करूंगा उसके अकॉर्डिंग मेरी कितनी एरर आएगी, उसका मीनिंग है ये। गारंटी एक्यूरेसी एरर कितने परसेंट है भाई, 10। फुल स्केल वैल्यू कितनी है, 10 है। ट्रू वैल्यू कितनी है, 1। इसका मतलब इसके अंदर कितने परसेंट आपकी होगी भाई, जो भी मेरी, अब ये जो मेरा 100% आ गया ना, ये 100% किसका होगा, ट्रू वैल्यू का होगा, किसका होगा भाई, ट्रू वैल्यू का होगा, क्लियर। तो देखते जाइए आराम से, इसका मतलब इसके अंदर जो लिमिटिंग एरर होगी वो 100% होगी। 100% का मतलब जो एब्सोल्यूट GAE है उसकी वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 1%, क्लियर। अगर मैं इसके बाद देखूं, दैट इज 100% ऑफ ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी है भाई, ये मेरी ट्रू वैल्यू लिख लो इसको, ट्रू वैल्यू 1 एम्पियर अगर मैं मेजर करवाऊं उसके अंदर एरर कितना होगा, 100%। 100% एरर का मतलब क्या, मीटर क्या रीड करेगा, 1 का 100%, 1 तो था, 1 तो रीड करवाना ही है, प्लस माइनस 100%। इसका मतलब देखिए 1 × 100, इसका मतलब 1 इसके अंदर वो आएगा, तो मीटर जो रीड करेगा वो 1 + −1 रीड करेगा, समझ रहे पॉइंट। दूसरा देखिए, अगर मैं इसके साथ 2 एम्पियर मेजर करवाऊं, इसका मतलब बाकी तो सेम रहेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा भाई 50%। इसका मतलब ये हुआ
प्लस माइनस 50% ऑफ ट्रू वैल्यू। क्लियर, ग्रांटी एक्यूरेसी एरर तो मेरा सेम ही रहेगा, ये तो प्लस माइनस 1% ही है। तो अब ध्यान से देखिए भाई, मीटर जीरो जो रीडिंग आएगी उसमें कितना एरर है वो देखते हैं। ये है दो का कितना, दो का दो तो मेजर करना था, ठीक है, एरर कितना उसके अंदर, दो का 50%, दो का 50% कितना हो गया भाई, 2 × 1, तो कितना आ रहा है, 2 ± 1। समझ रहे पॉइंट। नेक्स्ट, अगर मैं 5 एम्पियर मेजर करवाऊँ तो उस केस में एरर कितना आएगा भाई, ये है 5 × 1 = 5 = 2 20%। इसका मतलब जो मेरी एरर आएगी अब कितनी आएगी, 20% ऑफ ट्रू वैल्यू। ये मेरी जो ट्रू वैल्यू की होती है दे लिमिटिंग एरर होता है। क्लियर, तो आगे सुनिए भाई ध्यान से। तो इसका मतलब 5 का कितने% करना है आपने, 5 तो मैं मेजर करना था, 5 का कितना है 20%, 5 का 20% कर दो भाई तो मीटर की रीडिंग आ जाएगी, ये 5 पे गया 1 पे गया, इसका मतलब प्लस माइनस 1 आ जाएगा। समझ रहे पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं 9 एम्पियर मेजर करवाऊँ उस केस में एरर देखिए कितनी आएगी, डिवाइड बाई 9 कर देंगे, डिवाइड बाई 9 मीन्स 100 / 9, इसको कैंसिल मत करना, ये हो जाएगा 100 / 9। क्लियर, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10.11%। इसका मतलब जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी प्लस माइनस उसका 10.11%। समझ रहे हैं पॉइंट। जब इसका 9 का 10% करोगे आप, 9 ± 10.11% किसका, 9 का, तो इसका भी जब हम सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा राजे, 9 ± 1। समझ रहे हैं पॉइंट। तो आप देख सकते हो आपने जो एरर है उसको तो चेंज कर लिया आपने विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू, लेकिन उसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी वो ऑलवेज कितनी आएगी, ±1%। इसका मतलब ये क्या चीज़ थी भाई आपकी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ GAE। इसका मतलब जो GAE है वो तो कांस्टेंट रहेगा, इसको नोट करके पॉइंट में लिखिए भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ GAE इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। ऑलवेज कांस्टेंट का मतलब क्या है, मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑन ट्रू वैल्यू, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन ट्रू वैल्यू। समझ रहे हैं भाई पॉइंट। लेकिन अगर मैं लिमिटिंग एरर की बात करूं तो लिमिटिंग एरर देखो भाई, जैसे जैसे ट्रू वैल्यू आपकी चेंज हो रही है, मेरी लिमिटिंग एरर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब जो मेरी लिमिटिंग एरर है इज चेंज विद चेंज इन ट्रू वैल्यू। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे मेरी ट्रू वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे ट्रू वैल्यू मेरी इंक्रीज होती जा रही है, जो मेरी लिमिटिंग एरर की जो वैल्यू है वो क्या होती जा रही है भाई, कम होती जा रही है। क्या क्लियर है भाई पॉइंट। जैसे जैसे मेरी जो ट्रू वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, लिमिटिंग एरर डिक्रीज एज ट्रू वैल्यू मेरी क्या करेगी भाई, इंक्रीज करेगी। समझ रहे हैं पॉइंट। तो ये मेरे कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट थे भाई। अगर मुझे परसेंटेज GAE गिवन है उससे मैं किसी भी पर्टिकुलर रीडिंग के लिए लिमिटिंग एरर कैसे निकाल सकता हूँ, तो वो आपने भाई देखा, तो कैसे कैसे आपने दिखाना है। और जो मेरी GAE होगी ये ऑलवेज मेरी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन लिमिटिंग एरर क्या होगा, जैसे जैसे ट्रू वैल्यू मैं इंक्रीज करता जाऊंगा मेरी जो एरर होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर अभी पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ, स्मॉल वैल्यू के लिए जो मेरे पास एरर है वो ज़्यादा होगा ट्रू वैल्यू के अकॉर्डिंग, लेकिन हायर वैल्यू पे क्या होगा, कम होगा। लेकिन एक्चुअल में एरर कितनी रहेगी, हर टाइम कितनी रहेगी, 1% सॉरी ±1 ±1, किसी भी चीज़ पे देखिए वो ±1 ही होगा। समझ रहे हैं भाई पॉइंट। तो इसको भाई याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको मीनिंग बताया, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GAE एंड लिमिटिंग एरर। तो क्वेश्चन ऑलवेज आपको आएगा लिमिटिंग एरर के ऊपर, तो आगे देखेंगे क्या क्या हम कैसे कैसे लिमिटिंग एरर किसी भी केस की निकालते हैं। क्लियर, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर। तो एरर भी देख लो भाई, एरर क्या होती है। तो भाई मेरे पास जो एरर होता है ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, दैट इज द डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, मींस मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू कर दो, वो मेरे पास क्या आ जाएगा राजे, एब्सोल्यूट एरर। क्लियर, मेजर्ड वैल्यू कौन सी, वो वैल्यू जो मेरा मीटर मेजर करके देगा, ट्रू वैल्यू मींस वो वाली वैल्यू जो मेरा मीटर सॉरी जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है। समझ रहे हैं पॉइंट। एक हम टर्म डिफाइन करते हैं रिलेटिव एरर,
रिलेटिव एरर का मतलब होता है परसेंटेज एरर, समझ रहे हैं पॉइंट। ये किसके बराबर होती है भाई, ये होती है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू इनटू क्या कर देंगे 100। इसका मतलब मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू उसका कर देंगे 100%। ये मेरे पास क्या आ जाएगी राजे, रिलेटिव एरर। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा रिलेटिव एरर और लिमिटिंग एरर में भाई डिफरेंस होता है। रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर रीडिंग के लिए जो मेरी एरर आएगी, लेकिन लिमिटिंग एरर का मतलब ये होता है उस मीटर में मैक्सिमम एरर मेरा कितना है, समझ रहे हैं पॉइंट। तो ये मेरे पास भाई एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना भाई। आगे एक प्रसीजन टर्म हम यूज़ करते हैं, उसका भी देख लिए मीनिंग क्या होता है प्रसीजन। तो लिखिए नेक्स्ट प्रसीजन, एक्यूरेसी तो आपने देख लिया भाई, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, मीटर की वो वाली वैल्यू जो मेरी ट्रू वैल्यू के बिल्कुल आसपास होगी उसको मैं बोलूंगा मोस्ट एक्यूरेट पॉइंट, क्लियर। अब देखते हैं प्रसीजन, प्रसीजन भाई ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैं 2 एम्पियर ही मेजर कर रहा था, 2 एम्पियर, क्लियर। मैंने एक बार देखा मेरी रीडिंग 1.6 एम्पियर आ गई, फिर आ गया 1.7 एम्पियर, 1.8 एम्पियर, 1.6 एम्पियर, 1.7 एम्पियर, 1.6 एम्पियर, 1.9 एम्पियर, 1.6 एम्पियर, 1.92 एम्पियर, 1.6 एम्पियर। मीन्स मैं एक मीटर के ऊपर क्या करता रहा, बार बार एक्सपेरिमेंट करता रहा, उसको कनेक्ट किया डिसकनेक्ट किया, कनेक्ट किया डिसकनेक्ट किया। और प्रसीजन का मतलब ये है भाई, वो वाली वैल्यू जो मेरी मोस्ट टाइम रिपीट होगी, जो मोस्ट टाइम रिपीट होगी उसको क्या बोलते हैं भाई, प्रसाइज वैल्यू, समझ रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब मोस्ट प्रसाइज वैल्यू कितनी है इसमें, मोस्ट प्रसाइज वैल्यू, मोस्ट प्रसाइज वैल्यू कितनी है जल्दी बताइए भाई, 1.6, क्लियर। तो प्रसीजन मींस, प्रसीजन मींस मींस रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी, ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग, वो वाली वैल्यू जो मेरी बार बार रिपीट हो रही है या बार बार प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं भाई प्रसीजन, समझ रहे हैं पॉइंट। प्रसीजन का मतलब ये नहीं है कि वो मुझे ऑलवेज एक्यूरेट वैल्यू ही देगा, क्लियर। अगर ये जैसे 1.6 थी, ये मोस्ट प्रसाइज वैल्यू, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 2 एम्पियर। इसका मतलब जो मेरी प्रसाइज वैल्यू होती है वो कन्फर्म नहीं है कि वो मेरी एक्यूरेट होगी, समझ रहे हैं पॉइंट। मोस्ट प्रसाइज वैल्यू नॉट डिफाइंड कि वो मेरी मोस्ट एक्यूरेट होगी, लेकिन अगर कोई भी वैल्यू मेरी मोस्ट एक्यूरेट है वो मेरी मोस्ट प्रसाइज भी होगी, क्लियर है भाई पॉइंट। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि मोस्ट प्रसाइज वैल्यू ऑलवेज गिव्स मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू। तो मोस्ट प्रसाइज वैल्यू मे और मे नॉट बी एक्यूरेट, मे और मे नॉट बी एक्यूरेट। एक टर्म होती है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, एक टर्म होती है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी का मतलब ये होता है, मान लीजिए मेरे पास सेम एक मीटर M1 है, एक मीटर कितना है भाई M2 है, क्लियर। मैं एक मीटर के ऊपर ही सेम मेरी सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन सेम होंगी, क्लियर। उस कंडीशन के ऊपर मैं एक ही मीटर को बार बार लगा के देख रहा था, तो जो मीटर मेरा बार बार लगाने के बाद जिस वैल्यू को मोस्ट रिपीट करेगा उसको क्या बोलते हैं, रिपीटेबिलिटी, मीन्स मोस्ट प्रसाइज वैल्यू। एक मीटर के ऊपर जो जो चीज़ मैं बार बार कर रहा हूँ इसको बोलते हैं रिपीटेबिलिटी। अगर मेरे पास 2 मीटर है, दोनों मीटर को मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ और दोनों मीटर पे क्या हो रहा है, बार बार मेरी वैल्यू सेम ही आ रही है, उस केस में बोलेंगे रिप्रोड्यूसेबिलिटी। दैट इज रिलेटेड टू 2 मीटर, दैट इज रिलेटेड टू 1 मीटर, समझ रहे हैं पॉइंट। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्लियर। तो प्रसाइज वैल्यू का मीनिंग समझ में आया, प्रसाइज का मतलब भाई एक्यूरेसी से नहीं होता है, वो एक्यूरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन प्रसीजन का मतलब वो वाली वैल्यू जो बार बार मेरी रिपीट हो रही है, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रसीजन, क्लियर। तो एक्यूरेसी और प्रसीजन में भाई आपका फर्क होता है। एक्यूरेसी का मतलब वो होता है वो वाली वैल्यू जो मेरी ट्रू वैल्यू के बिल्कुल आसपास है उसको बोलेंगे मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, समझ रहे हैं भी पॉइंट। तो ये था भाई आपके पास प्रसीजन और एक्यूरेसी। नेक्स्ट हम टर्म जो यूज करते हैं, एक टर्म होती है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। हाँ जी, सेंसिटिविटी का क्या मीनिंग होता है, जैसे
अगर हम ही अपने आप को लगाएं, अगर मुझे हल्का सा कोई टच करे, हल्का सा अगर कोई टच करे मुझे फील होता है, समझ रहे हैं पॉइंट, भी कोई मेरे को टच कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई चीटी मेरे ऊपर जा रही है, उसका भी मुझे फील होता है, समझ रहे हैं पॉइंट, भी मेरे ऊपर कोई चीज़ चल रही है, समझ रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब सेंसिटिविटी का मीटर में भी मीनिंग यही होता है, क्लियर। इसका मतलब जितनी सेंसिटिविटी किसी भी मीटर की ज़्यादा होगी उतना मीटर मेरे लिए बढ़िया होगा। ज़्यादा सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, हल्का सा कोई भी चेंज आया अगर उसने साथ के साथ उसकी डिफ्लेक्शन दे दी, इसका मतलब मेरा मीटर क्या है भाई, मोस्ट एक्यूरेट है, क्लियर। मोर सेंसिटिविटी मोर बेटर इट इज, क्लियर। जितनी सेंसिटिविटी मेरी किसी भी मीटर की ज्यादा होगी उतना मीटर मेरा बढ़िया होगा, जिसकी सेंसिटिविटी जितनी कम होगी, सेंसिटिविटी कम होने का मतलब क्या, मैंने इनपुट को हल्का सा इंक्रीज किया, मीटर को पता ही नहीं चल पाएगा अगर उसकी सेंसिटिविटी क्या है, वीक है, क्लियर। अगर मान लीजिए कोई बंदा पैरालाइज है, कोई बंदा तंदुरुस्त है, समझ रहे हैं पॉइंट, जो पैरालाइज होगा उसके ऊपर कुछ भी चलाई फिर आप उसको फील नहीं होगा, समझ रहे हैं पॉइंट। लेकिन जो तंदुरुस्त आदमी है उसके ऊपर अगर हल्की सी भी चीज़ चलेगी उसको फील होगा, समझ रहे हैं पॉइंट। सिमिलरली मीटर के अंदर, अगर मीटर मेरा हाईली सेंसिटिव है, अगर मैं हल्की सी इनपुट चेंज करूंगा तो मेरी जो डिफ्लेक्शन उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देगा, हल्का सा उसने सेंस किया इनपुट के अंदर चेंज उसने आउटपुट पे मेरा दे दिया है, क्लियर। अगर मान लीजिए सेंसिटिविटी कम है, अगर मैं इनपुट को चेंज करूं उसको पता ही नहीं चलेगा भी इनपुट मेरी चेंज हो गई है, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी उतना मीटर आपका बढ़िया होगा, जितनी सेंसिटिविटी कम होगी उतना मीटर आपका घटिया होगा, पुअर होगा, समझ रहे हैं पॉइंट। तो सेंसिटिविटी जो हम डिफाइन करते हैं, सेंसिटिविटी दैट इज चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट, क्लियर। ये मेरे पास भाई होती है सेंसिटिविटी। एक्चुअल मीनिंग क्या होता है सेंसिटिविटी का, वो मैंने आपको बता दिया। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि हल्का सा भी इनपुट में चेंज हुआ वो मेरा सेंस कर ले भाई मीटर, क्लियर। आउटपुट में भी उतना ही चेंज आपका दे दाए, क्लियर। आगे एक टर्म यूज करते हैं अभी, रेजोल्यूशन। तो सेंसिटिविटी क्लियर हुआ भाई, रेजोल्यूशन देखिए, रेजोल्यूशन का क्या मीनिंग होता है, रेजोल्यूशन ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो रेजोल्यूशन देखिए भाई, मान लीजिए मेरे पास एक मीटर है, क्लियर, ये रीड कर रहा है भाई 0 एम्पियर से लेके 5 एम्पियर तक। मान लीजिए इसके अंदर एक ही डिवीज़न है 2.5 एम्पियर के ऊपर, आपने देखा होगा एक्चुअल मीटर में नंबर ऑफ डिवीजन्स होती है ना, समझ रहे पॉइंट। अब मुझे एक चीज़ बताइए, मान लीजिए मीटर का जो पॉइंटर है वो मान लीजिए इस पॉइंट पर रुक गया, समझ रहे पॉइंट। मैंने क्या किया, तीन आदमी को बुलाया, अरे भाई बताइए ये कितनी रीडिंग दे रहा है। आप सभी को ये तो क्लियर होगा भाई, ये 2.5 से कम रीड करेगा, क्लियर। कुछ लोग बोलेंगे ये 2.1 एम्पियर पे रुका हुआ है, कुछ बोलेंगे 1.9 एम्पियर पे रुका हुआ है, कोई बोलेगा, क्योंकि अंदाज़ा लगाएगा, क्लियर, गेस करेगा भी यहाँ पे होगा, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं बता सकता क्या होगी, समझ रहे पॉइंट। एक्यूरेट वैल्यू क्या कोई बता सकता है, बिल्कुल नहीं बता सकता। डिवीज़न के अकॉर्डिंग इसके ऊपर कोई भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता सकता, समझ रहे पॉइंट। अब और देखिए दूसरा केस मैं ले चल रहा हूं, मान लीजिए 0 एम्पियर से ये 5 एम्पियर है, 2.5 एम्पियर है। अब मैंने क्या कर दिया, डिवीजन लगा दिए भाई, ठीक है, डिवीजन इस टाइप से लगाई सो दैट गैप मेरा क्या रहे, सेम। अगर गैप सेम है उसको बोलते हैं लीनियर स्केल, जिसमें गैप कम ज्यादा है उसको बोलते हैं नॉन लीनियर स्केल। आगे जब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, कुछ मीटर में तो ये गैप मेरा लीनियर होता है, कुछ मीटर में गैप लीनियर नहीं होता, समझ रहे हैं पॉइंट। तो इस चीज़ का भाई ध्यान रखना आपने। तो मान लीजिए अब मेरा मीटर कहीं यहाँ पे रुक गया, क्लियर, तो अब हर कोई बता देगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये डिवीज़न के आसपास रह रहा है, क्लियर है भाई। तो सेंसिटिव सॉरी आपके जो रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं हल्की सी इनपुट में चेंज करूं, हल्का सा अगर मैं इनपुट में चेंज करूं और उसकी आउटपुट में कितना चेंज आएगा, क्लियर, दैट वुड बी सर्टेन्ड, जो चेंज आएगा वो मस्ट बी सर्टेन्ड होना चाहिए। सर्टेन्ड का मतलब क्या होता है, निश्चित, उसकी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, समझ रहे हैं पॉइंट। जैसे मैं एग्जांपल दूं, बादल आपके बिल्कुल ब्लैक हो रखे हैं, आपको पता है भाई सर्टेन्ड है आपकी बारिश होगी ही होगी, समझ रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं हल्की सी इनपुट चेंज करता हूं, पॉइंटर मेरा यहां पे कहीं रुक गया, तो इसका मतलब मैं इसकी वैल्यू नहीं बता सकता, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं हल्की सी इनपुट में चेंज करूँ, इसकी वैल्यू आप कन्फर्म है भाई इतनी है, हर कोई बता देगा इतनी वैल्यू इतनी ही होगी, समझ रहे पॉइंट। दैट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन, समझ रहे पॉइंट। द स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट दैट वुड बी सेंस बाय द
मीटर दैट इज नॉन एज रेजोल्यूशन, समझ रहे पॉइंट, इसको बोलते हैं भाई रेजोल्यूशन। जो आपकी रेजोल्यूशन होती है ये किसके इक्वल होती है भाई, फुल स्केल वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, यही हो जाती है मेरी भाई रेजोल्यूशन। जब हम डिजिटल मीटर देखेंगे उसमें क्या होता है, 10 की पावर n आपकी रेजोल्यूशन होती है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट, समझ रहे हैं भाई पॉइंट। तो रेजोल्यूशन का मीनिंग आपको मैंने बताया और आपका सेंसिटिविटी का मीनिंग बताया, सेंसिटिविटी और रेजोल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है भाई, वो आपका आपको क्लियर मैंने करवा दिया, समझ रहे पॉइंट। तो इस लेक्चर में बस यही आपकी थ्रेटिकल पोर्शन को जो आपको बताना था भाई, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर लिमिटिंग एरर के बारे में देखेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर सही लगा होगा और आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, क्लियर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।